एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही गरीब था। वह जैसे तैसे खेती करके अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक अजीब तरह का आदमी खेत में आता हुआ दिखाई दिया और उस आदमी ने किसान से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। परंतु उस किसान ने कहा कि मेरे पास बहुत ही कम खेत है, इस पर आप मेरी क्या मदद करेंगे? तो आदमी ने कहा, मेरे पास एक बक्सा है, इस बक्से को खोलने पर जो लेकर इसमें डालोगे वो पूरा हो जाता है। तो किसान बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि मैंने सारे जीवन तो गरीबी में गुजारी है, अब देखता हूँ ये बक्सा मुझे अमीर बना पाता है या नहीं। उसने बक्सा खोला, बक्सा में एक चिट्ठी था। चिट्ठी को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो फिर किसान ने एक और कागज़ लिया और उस पर लिखा कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बना दो। और उस बक्से में डालने के लिए जैसे ही उस कागज़ को मोड़ा, वैसे ही एक बहुत ही अजीब प्रकार की चमक हुई और फिर चमक समाप्त होते ही वह किसान अमीर बन चुका था। उसके पास एक बड़ा सा बंगला, महंगी कार, नौकर चौकर सभी उपलब्ध थे और वह एक अमीर आदमी बन चुका था। उसने सोचा, मैंने गरीबी बहुत देखी, अब जरा अमीर बनकर देखता हूँ। परंतु किसान मेहनती और ईमानदार था। उसने सोचा कि वो अजीब आदमी ने बोला था वह एक एक इच्छाएं पूरी करेगा, इसलिए उसने सोचा कि एक और इच्छा पूरी करने के लिए कहता हूँ, शायद ये बक्सा पूरी कर दे। किसान ने दूसरी इच्छा पूरी करने का फैसला लिया और उसने एक कागज़ लिया, उस कागज़ पर लिखा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। फिर एक अजीब प्रकार की चमक हुई और जैसे ही चमक ख़त्म हुई वह किसान बहुत ही दयालु बन चुका था और हमेशा दूसरों को मदद करने की भावना उसके मन में एकाएक जागृत हो चुकी थी। किसान बहुत खुश था, उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी, परंतु आखिरकार उन्होंने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दे ही दिया। और किसान ने कहा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं और दूसरों की कितनी मदद करते हैं।